श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास तो जुड़े हैं एक स्पेशल लाइव सेशन, जुड़ जाते हैं तब तक आनंद लेते हैं बिहारी जी के अंदर गर्भगृह का और थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के चंदन का भी आनंद लेते हैं। तो ये जो स्पेशल लाइव सेशन है इसमें हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का भी आनंद लेंगे। यहाँ भक्त लोग लगे हैं ठाकुर जी को मनाने के लिए, तो प्रसाद के भी दर्शन करिए ठाकुर जी के। और कैसे भक्त लोग बिहारी जी के लिए चीज़ें लाते हैं वो दर्शन भी आपको कराता हूँ। ये देखिए, लव यू बिहारी जी, जय हो। ऐसे भक्त भी, ऐसे भक्तों को प्रणाम है जो बिहारी जी के लिए सब चीज़ें करते हैं। और लड्डू गोपाल जी भी यहाँ विराजमान हैं भैया, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भक्तों के दर्शन करने को आपको मिलेंगे, लोग भक्त लगे हुए हैं बिहारी जी महाराज को प्रणाम करने के लिए। और बारिश भी कर दी है ठाकुर जी ने, बारिश का आनंद भी दे दिया है। और अभी दीप दर्शन करते हैं सबसे पहले बिहारी जी के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बिहारी जी महाराज ऐसी ही नई नई चीजों के दर्शन आपको कराएंगे। तो एक दर्शन और बनते हैं कि ठाकुर जी के लिए देखिए कितनी सुंदर ये पगड़ी बनकर आई है। जय हो, जय हो मेरे बांके बिहारी श्यामा प्यारी। और बिहारी जी की ये बंसी उनके समक्ष रख देते हैं। तो जो स्पेशल है आज वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसमें आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, ताकि हम जो स्पेशल करने वाले हैं उसमें ये है कि बिहारी जी की शैया के साथ हम क्या स्पेशल करने वाले हैं वो मैं आपको आज बता देता हूँ। क्योंकि आज बर्थडे है मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब अपने लिए वो करूँगा तो आप सभी के साथ मिलकर वो करूँगा। और इसीलिए हमने एक स्पेशल प्रसाद भी बनवाया है जो कि बिहारी जी का अधोटे का प्रसाद है। तो एक बार चलते हैं अधोटे के प्रसाद के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो वितरण के लिए हमने दे दिया है और वो भोग लगवा दिया है ताकि भक्तों को प्रसाद वितरण हो सके। और बड़ी बढ़िया ज़बरदस्त बारिश का आनंद भी आ रहा है वृंदावन में। मतलब बिहारी जी ने बर्थडे पर इतना सुंदर मौसम कर दिया है, सो थैंक्स टू बिहारी जी। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मंदिर में भी कैसे आप देखिए पानी बरस रहा है। और इस पानी को थोड़ा क्रॉस करके चलते हैं और प्रसाद के दर्शन यहाँ करेंगे। तो ये अधोटा बिहारी जी के प्रसादी कर दिया है और अब ये भक्तों को बटेगा। ग्लास और मंगा लो, ग्लास ग्लास और हैं। और एक भक्त ने तो एक केक वितरण तो हमारा मतलब कटिंग हो चुकी है, उसके दर्शन कर लीजिए। ये भी केक लेकर आए हैं, तो कुछ और भक्त भी लेकर आए हैं और पता नहीं और भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोगों ने बोला और काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मैं शायद सबका रिप्लाई नहीं भी दे पा रहा हूँ, बट कोशिश करी है कि मैं जितना रिप्लाई दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच कि बिहार उनको दर्शन के लिए भेज दो नीचे। थैंक यू सो मच, प्रेम दिया है, इतना प्यार दिया है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं वो जो स्पेशल करने वाला हूँ वो फिर आप लोगों को जो रह जाएंगे फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। तो कैसे करना है वो स्पेशल वो मैं आपको समझा देता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास महामंत्र के साथ हम वो स्पेशल करेंगे और ठाकुर जी के क्या करने वाले हैं उसके दर्शन मैं करा देता हूँ। ये है धागे, ये दो धागे हैं और ये हैं एक
बिहारी जी के पुष्प, तो ये इस पुष्प के जरिए मैं फ़ोन को बिहारी जी के श्री चरणों में रखूँगा। जी हाँ, और दूसरा स्पेशल ये कि ये जो धागे हैं ये बिहारी जी के एक तो शैया पर, उनकी जो शयन की शैया है उस पर बांधेंगे, बिहारी जी की शैया पर, और एक धागा बिहारी जी के की ओर से भी। ये चीज़ हम करेंगे कि बिहारी जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आपने देखा होगा काफ़ी जगह मनोकामना पूर्ण के लिए लोग डोरे बांधते हैं, धागे बांधते हैं, और वो आपने देखा होगा अमूमन कि किसी पेड़ के, वृक्ष के, लेकिन हम अपने बिहारी जी के गर्भगृह में, बिहारी जी की शयन की शैया पर साइड में धागा बांधेंगे, उनके श्री चरणों पर जो रहेगा, और एक उनके सिंहासन पर धागा बांधेंगे ताकि बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। और इसी के साथ ये लाइव सेशन का आज जो स्पेशल पार्ट है वो यही है। और बड़ा जबरदस्त बारिश हो रही है, लोग आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी की कृपा के लिए। यहाँ पर काफ़ी भक्त लोग खड़े हैं कि बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा उन पर बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। लेकिन सबसे पहले जो धागे और जो पुष्प हैं दोनों में, पहले मैं उनको बिहारी जी के श्री चरणों में रखूँगा। और कुंज बिहारी अष्टक जो बिहारी जी का कुंज बिहारी अष्टक है, उसके साथ हम उस चीज़ का आनंद लेंगे। उन धागों की देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, अभी वो धागे ना सिंपल हैं, लेकिन अभी उनमें हमें अपनी अर्जी, अपनी मनोकामना, अपनी अरदास, हमें वो उसमें भरनी है, एक एक पॉइंट पर भरनी है कि धागे के हर छोर पर हमारी अरदास, हमारी मनोकामना भर जाए ताकि ठाकुर जी उसको सुने। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही नहीं होगा, वो कॉमन नहीं है इतना। वो तब है जब बिहारी जी के श्री चरणों में फ़ोन को रखेंगे और उन धागों को भी रखूँगा, और उसमें आप श्री कुंज बिहारी श्री अरदास महामंत्र का जाप जो मैं बोल रहा हूँ कुंज बिहारी अष्टक करूँगा, और आप श्री कुंज बिहारी श्री अरदास लिखेंगे, राधे राधे लिखेंगे, जय बिहारी जी के लिखेंगे, और उसके साथ आप अपनी मनोकामना अंदर बोलेंगे। और कमेंट्स में आज जितने कमेंट्स आप लिखेंगे उतनी बार आपका जो प्रेजेंस है बिहारी जी के श्री चरणों में पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी उतनी बार प्रेजेंस बिहारी जी के श्री चरणों में पहुंचे, और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको आज इस चीज़ का आनंद दिला सकूं। इसी वजह से ये लाइव सेशन रखा है। ये ठाकुर जी की आरती के दर्शन, ये है हमारी आरती देवी जिससे बिहारी जी महाराज की आरती होती है। तो अब फाइनली फ़ोन को रख देते हैं क्योंकि काफ़ी लोग लाइव हैं, लेकिन कुछ नई नई चीज़ें ठाकुर जी की देखने को मिल रही हैं, उसके दर्शन भी गर्भगृह से कर सकते हैं भैया। ये बिहारी जी का मोर पंखी, ये दीपक ठाकुर जी के, और लव यू बिहारी जी का तो आपने देखा ही था, बड़ा सुंदर था। तो इस चीज़ को करने के लिए बनता है, और अब बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बरसे, इसके लिए लगते हैं एक उनके श्री चरणों पर फोन को रखेंगे, और उन धागों को ऐसे ही नहीं होगी, उन धागों की वैल्यू बनेगी। अब वो हम बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, वो धागों की वैल्यू हम ऐसे बनाएंगे कि बिहारी जी के श्री चरणों पर रख कर ही उन धागों की वैल्यू बनेगी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिन दास, देना वो देना, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी बंसी प्यारो नाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो स्पेशल लाइव सेशन के लिए तैयार हो जाइए, उन धागों को बिहारी जी की स्टेज पर, मतलब उनके सिंहासन पर और उनके शैया पर वो लगाएंगे। तो मैं अब फोन को रख देता हूँ उनके श्री चरणों में, इन पुष्प के जरिए और इन धागों के जरिए। ठीक है जी, Thank you.
तो अब कुंजवैरी अष्टक शुरू करते हैं। ओम यस्तु यते श्रुति गणे निपुणे रजस्रम संपूज्यते कृतुगते प्रणते क्रियाभी तम सर्वकर्म फलदम निजसेवकारम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये यम मानसे सुमत श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये येन क्षणेन समकारि विपद्ये योगो ध्यानास्पदं सुगमितं नूतन विज्ञे तम ताप वारण निवारण सांकुशांकं श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये यस्में विधाय विदिना विदिना हृदागा पूजां विवेकवर्धां वरदास्य भावा तम दाक्षलक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मात् सुखे कसंदन हरि मुख्य सिद्धि समृतं सकलांग शुभम तम शुद्ध बुद्धि शुभ्रद्धि समृद्धि हेतुं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्य प्रपन्न वरदस्य प्रसादत्यासितु तापत्यापतनं शरणं गतानां तम नील नीरज निबंजन निबंजनाय श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये तम वास्तु वस्तु निरस्त समस्त दुःखं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये हे कृष्ण पादी शमितादि विषाद वक्तो वांछा पदमरि पंचसाख संसार सागर समतुल वैतर हे चन चित्रित चरित तर चरित्र नमो नमस्ते इदं विष्णु पादष्टकं दिशादशनं प्रणीतम यत् प्रेरणामि सुकवि जगदीश दुषा पठ्योदा भक्ति क्षणतिता समुदो भवे भुक्तान विषय शांते हरिपदम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हे प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करिए और जितने भी मेरे बाकी बारी भक्त परिवार आपके श्री चरणों में इन धागों के और इन पुष्पों के जरिए नमन कर रहे हैं उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करें और ये दो धागे एक आपकी सेज शैया पर और एक आपके सिंहासन पर हम बांधेंगे और ये मनोकामना हमने अपनी इन धागों के जरिए आपके श्री चरणों में नमन करके हम बता रहे हैं, तो आप कृपया करके हमें वो कृपा करें कि ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी अरदास हमारी इच्छा सब कुछ पूर्ण हो। तो मैं ये पुष्प और का ये दोना जो है और उनके श्री चरणों से फ़ोन को उठा रहा हूँ, तो आप लोग अभी फिर लास्ट जो भी मनोकामना है राधे राधे जय बिहारी जी की श्री कुंज बिहारी श्री अरदास के जरिए बोल सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, स्वामी जू महाराज की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधेश। तो बिहारी जी के सिंहासन पर ये धागे अब बांधेंगे। सिंहासन पर सभी की तरफ से और अपनी तरफ से बांधू को ये धागे के दर्शन आप कर सकते हैं जो बिहारी जी की यहाँ पर हमने बांध दिए हैं। इसको नीचे कर देंगे आराम से और एक धागा जो अब ठाकुर जी के सैया पर बांधेंगे। तो ये मनोकामना के लिए पहली बार लाइव में या पहली बार मैं ये कहूँगा कुछ ऐसा हम कर रहे हैं कि आप सबको जोड़कर इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कैसे स्पर्श कर सकते हो इन धागों को, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से स्पर्श किया और इनमें पावर कैसे आएगी, इन धागों में वो एक जो ताकत है, जो एक शक्ति है, शक्ति बोलेंगे जैसे, वो कैसे आएगी, वो बिहारी जी के जब श्री चरणों पर प्रसादी होकर वो धागे उनके सिंहासन पर और उनकी शैया पर जब हम बांधेंगे तो ताकत और पावर और शक्ति वहीं आएगी और हमारी भक्ति उसमें शामिल है, हमारी आस्था उसमें शामिल है, हमारी अरदास हमारी मनोकामना हमारी इच्छा हमारी अर्जी हमारी रिक्वेस्ट हमारा ऑर्डर भी दे सकते हैं और हमारी शिकायतें, ये सब कुछ बिहारी जी के समक्ष हमने उनके श्री चरणों में नमन करके इन धागों के जरिए ही हम बिहारी जी को बता रहे हैं। तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का आनंद ले सकें, क्योंकि नितिन सांवरिया गोस्वामी का आज जन्मदिन है और बिहारी जी को ये अवसर प्रदान किया है बिहारी जी ने हमें, ये बिहारी जी ने अवसर प्रदान किया कि उनकी सेवा का मौका अपने बर्थडे वाले दिन मिल रहा है, दर्शन के साथ उनके श्रीअंग की सेवा का मौका मिल रहा है और अब ये धागों का आनंद भी हम ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी लाइट जा चुकी है गर्भगृह में, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे नितिन सांवरिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप सभी विश कर रहे हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हरदास। इधर आके इधर आके, ये देखिए जी कितनी सुंदर बांसुरी आई है, ओ हो।
मोर बन रहा है भैया, ये तो मैं लेकर जाऊंगा, ये तो मैं लेकर जाऊंगा। और अब बिहारी जी के भैया कमर पे लगा दीजिए ये बांसुरी, क्योंकि धारण तो बिहारी जी अपने मुखार बिंद पर सिर्फ शरद पूर्णिमा वाले दिन करेंगे। और अब दूसरा धागा बांधने जा रहा हूँ, उसमें भी आप लोग शामिल हो जाइए। कुंज बिहारी श्री हरदास। हाँ क्या करो, दे दो दे दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और जो पुष्प हैं उनके भी दर्शन कर लो, जो बिहारी जी के श्री चरणों में रखे थे। और अब ये अर्पण कर देता हूँ मैं यहाँ पर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। तो चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको कि कैसे बारिश में भी भक्त लोग लगे हैं, और अब रश कम दिख रहा है, भक्त लोग लगे हैं दर्शनों का आनंद लेने के लिए, मेरे बांके बिहारी को निहार रहे हैं, उनके अद्भुत नज़ारा उनके अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। और बारिश की वजह से रश कम हो गया एकदम से, अभी ही नहीं तो कुछ देर पहले देखिए लड्डू गोपाल जी आए हैं, कुछ देर पहले बहुत रश था। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो भैया बारिश भी कर दी बिहारी जी ने, जैसे जब खुद साक्षात हमारे कान्हा हमारे कृष्णा ने जन्म लिया था तब बारिश हो गई थी, आज बिहारी जी ने हमें भी अपना एक छोटे से भक्त को, अपने एक छोटे से बच्चे को, प्रिय बच्चे भी कह लीजिए भाई, प्रिय हैं तभी बिहारी जी ने अपने श्रीअंग सेवक के रूप में बनाया हुआ है, श्रीअंग सेवक के रूप में रखा हुआ है यहाँ पर। और बर्थडे वाले दिन, जन्मदिन वाले दिन, जन्मोत्सव वाले दिन बिहारी जी की श्रीअंग सेवा का मौका भी बिहारी जी ने ही दिया है, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि हमें बिहारी जी की सेवा का मौका मिल रहा है। और आप लोगों की इतनी सारी विशेष मेरे पास अभी भी आ रही हैं, काफ़ी कॉल्स आ रही हैं जो मैंने बंद की हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और फिर से उन धागों का एक बार दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और ठाकुर जी की दर्शन करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भक्त बड़े चाव से बड़े भाव से लेकर आते हैं, ये देखिए मतलब ये छोटे छोटे ब्रोच हैं बिहारी जी के लिए, जय हो। आज तो भैया ये काफ़ी चीज़ें मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये तो बर्थडे गिफ्ट है, ठाकुर जी को प्रसादी होंगे और उसके बाद बिहारी जी के इस बच्चे को मिलेंगे। तो दोबारा से उन धागों के दर्शन कर लीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो इस धागों की, इन धागों में जो बिहारी जी की कृपा है वो बन गई है, जय हो। ओहो बहुत सुंदर बांसुरी है ये, और ये भी प्रसादी के रूप में आज लेकर जाएंगे, आनंद ही आनंद होगा। तो आप लोग इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग इस चीज़ का आनंद ले सकें कि हमने आज सभी ने मिलकर अपनी मनोकामना बिहारी जी के समक्ष उनके श्री चरणों में रखी है। किस तरीके से? इस तरीके से कि हमने उनको उनके सिंहासन पर और उनकी शैया पर हमने प्रणाम किया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया ये मौसम जो है ये शरद पूर्णिमा का शुरू हो गया है, तो शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे। तो देखो एक और बंसी के दर्शन करने को मिल रहा है, मतलब जो जो बंसी देख रहे हैं ऐसा लग रहा है सब ले जाऊं। तो ये भी अनोखे दर्शन है ठाकुर जी के, इन बांसुरियों के दर्शन जो अभी सिर्फ उनकी कमर पर बन रही हैं, और उनके दर्शन हमको इस तरीके से मिल रहे हैं कि आनंद ही आनंद आ रहा है। और यहाँ पर जय हो मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी मेरे बाके नजर। मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, जय बिहारी जी की, नजर तोहे लग जाएगी। तो देखिए कैसे भक्त लोग बारिश में भीग गए हैं, और बड़ी ठंडी सुहावनी हवा का आनंद आ रहा है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, सीरियसली बड़ा आनंद आ रहा है। और बिहारी जी ने इतने सुंदर दर्शन दे रखे हैं हमें, उसका भी आनंद ले रहे हैं, बारिश भी हो रही है, काफ़ी भक्त लोग भीग कर आ रहे हैं, रश भी कम हो गया उसकी वजह से। और अभी अधोटा प्रसाद वितरण करेंगे, वो भी चल रहा है,
प्रसाद बांट दो। अधोटे का प्रसाद वितरण, तो ऐसे ही बिहारी जी सभी भक्तों पर कृपा करें, यही मेरी कामना है। और काफ़ी लोगों के फ़ोन सब नहीं उठा पाए कुछ, क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है उसकी वजह से भी, तो लेकिन सभी की विशेष मिली है, उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप सभी का शुक्रिया करने के लिए। तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिहारी जी के चौखट के दर्शन किए, बिहारी जी की शैया पर धागा बांधा है, और वो जो धागा है वो ऐसे ही नहीं है, उसमें जो पावर है वो बिहारी जी ने ही दी है अपने श्री चरणों से, और बिहारी जी के सिंहासन पर भी धागा बांधा है। पहले उनको प्रसाद दी, जिसने नहीं देखा वो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा ताकि आप लोग यहाँ पर नहीं मिले तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये पहली बार लाइव सेशन में हमने ऐसा किया है कि हमने धागा बांधा है, कुछ ऐसा किया है। तो बिहारी जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, और इसके साथ आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे आपसे एक नए लाइव सेशन के साथ। तब तक मैं फिर से बता दूं कि बिहारी जी की प्रसादी मुखारबिंद की, उनके होठों से प्रसादी बांसुरी के लिए आपको क्या करना है, आपको 9811442234 ये हमारा टीम का नंबर है, मेरे बाकी मेरी टीम का नंबर है, इस पर आपको कॉल करनी है और बुकिंग करनी है, और इसीलिए हमने बुकिंग जो है वो अभी भी ऑन कर रखी है, और हमने इसीलिए आप लोगों के लिए कराया, और उसमें स्पेशल बंसी के दर्शन जो बिहारी जी के मुखारबिंद से उनके होठों से लगी प्रसादी शरद पूर्णिमा की आपको मिलेगी, वो बुक कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको 9811442234 इस पर कॉल करके मिल जाएगी, और व्हाट्सएप करना चाहें तो 8937908000 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं टीम को, और ये आपको डिटेल दे देंगे, तो बांसुरी बुक कर सकते हैं, और स्पेशल लाइव सेशन चलेगा भैया शरद पूर्णिमा पर, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें बिहारी जी के महाराज के दर्शन होते हैं, श्रृंगार के दर्शन होते हैं, उससे पहले ही बता देंगे कि कब कब लाइव आएंगे, कब कब हम वो आनंद लेंगे, बिहारी जी की तीनों आरतियों का आनंद लेंगे, कैसे लेंगे, कब लेंगे, क्या लेंगे, वो सब कुछ मिलेगा, उनकी सखियों के दर्शन होंगे, उनकी पोशाक के दर्शन होंगे, और अब बिहारी जी का कच्चा प्रसाद बिहारी जी के समक्ष आ रहा है, तो उसकी सेवा करने के लिए मैं चलता हूँ, ताकि बिहारी जी को बढ़िया से भोग लगा कर उस प्रसाद को हम भी पाएं, और अधोटे का भोग लगा के हमने बांटने के लिए आज यही रखा है कि अपने बर्थडे पर मैंने अपने लिए अपनी तरफ से बिहारी जी की असीम अनुकंपा से भक्तों में प्रसाद वितरण करें, ये अवसर मुझे भी प्रदान हुआ, तो उसका आनंद भी मैं ले रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं, जब भी आप लोग कोई भी अपने घर में किसी फंक्शन फेस्टिवल बर्थडे पर जाएं, और ये एक भोग ये आ रहा है ठाकुर जी का मनिया कुंज बिहारी श्री अरदास, तो बस भोग आने वाला है बिहारी जी का, जिसके दर्शन आप लोग कर रहे हैं। एक और थाल जा रहा है, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रसाद वितरण जो भी भक्त आता है अभी आ रहा है हमारे पास, तो प्लीज़ वो अधोटे का प्रसाद हमसे ले लीजिएगा, और बर्थडे सेलिब्रेशन अभी ये ऐसे नहीं होगा, बहुत सुंदर तरीके से बड़े अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी सेवा का मौका है तो सेवा कर रहे हैं, उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे तब करेंगे, कभी भी कर लीजिए, सेलिब्रेशन के लिए कभी कोई वक्त नहीं होता, कुछ नहीं होता, कभी भी करो, बिहारी जी की सेवा सबसे इम्पॉर्टेंट है, सर्वोपरि, और आज के दिन अगर सेवा मिल रही है तो उससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए लाइव सेशन में, तब तक जय बिहारी जी की, श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके इतने सारे विशेष का, बिहारी जी की इतनी सारी कृपा हुई कि बारिश भी कर दी, मौसम भी सुहावना कर दी, भैया कोई कमी नहीं छोड़ी, और धागे उनमें पावर देकर उनमें शक्ति देकर अपनी सिंहासन पर अपनी शैया पर भी बनवा दिया, पर इसको शेयर करना आप लोगों का काम है, आप लोगों का फ़र्ज है, और अपने फ़र्ज को बखूबी निभाइएगा। सो थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए, एंड थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं कल आई थिंक 3:30 बजे तक रात में मैंने फ़ोन कॉल्स उठाए हैं, मैसेजेस देखे हैं, और अभी सुबह भी देखे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर तो शायद नहीं देख पाया, व्हाट्सएप पर भी इतना नहीं देख पाया हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको रिप्लाई नहीं भी मिल पाया उनको भी मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, जय बिहारी जी की, श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, स्पेशल वाला श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।